नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट, मैं हूं आपके साथ सुप्ति मिश्रा। बलरामपुर के सैकड़ों परिवार राप्ती नदी की कटान से प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि हर साल राप्ती नदी बारिश के चलते रूप धारण कर लेती है और बाढ़ के बाद तटवर्ती गांव के लिए बेहद बड़ा खतरा बन जाती है। हर साल राप्ती नदी के आगोश में दर्जनों गाँव समा जाते हैं। सदर विकासखंड के ग्राम ढूंढरी में नदी के कटान से सैकड़ों घर राप्ती नदी के आगोश में कभी भी समा सकते हैं और इस गांव की सैकड़ों एकड़ भूमि नदी के कटान में समा चुकी है। गांव के लिए बनाया गया एकमात्र कब्रिस्तान भी नदी में समा चुका है। इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर शासन तक कई बार मदद मांगी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोग रात भर जागकर कटान रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम प्रधान से लेकर गाँव के सभी नागरिक और पेड़ों को काट काट कर नदी के किनारे लगा चुके हैं ताकि किसी तरह कटान को रोका जा सके, लेकिन ये सारा प्रयास बेकार साबित हो रहा है। नदी की कटान इतनी तेज है कि गाँव से केवल 15 से 20 मीटर की दूर ही बची है और इसी बीच जिला प्रशासन ने भी बाढ़ खंड के अधिकारियों को भी कटान रोकने के लिए लगा दिया है। ज्यादा जमीन रहा है, बाढ़ से कट गया है, मतलब नदी किनारे 2-3 साल के पहले से कटान इस गांव के धारा तक चला हुआ है और गांव खतरा में है, चल रहा है साइड। और धान वान का जो फसल था 10-5 बीघा और सब आदमी के चला गया। अरे समस्या साहब, यहाँ गन्ना कोठी से हमारा लोन कट गया, कुछ रही नहीं गवा साहब, का की जाए, मजबूरी है, परेशानी है, गंगा मैया सब बटोरे जाते हैं, कुछ रही नहीं गवा है सर। तो अपन जो मर्जी हो तो किया जाए, आपके अख्तियारे हैं, हम लोग का करे लायक है, कुछ करे लायक है सर। हमारा लोगन गांव कट जाए वाला है, खेत बात रहा साहब कट जाए वाला है, हम लोग कैसे जियेंगे, किसान आदमी हम लोग कहाँ से जियेंगे। गन्ना कट गया, फिर अरहर मसूर अरहर कट गया, अरहर कटता है, धान कटता है, हम लोग कैसे जी पाएंगे साहब। आप लोग कोई व्यवस्था नहीं यहाँ देते हो, गांव भी कट जाए वाला, हम लोग कहाँ चले जाएं तब जिए। जनपद बलरामपुर की प्रमुख नदी राप्ती के इस समय तट पर ये विकासखंड सदर का ग्राम है ढूंढरी, जहाँ पर राप्ती का कटान बहुत तेजी से चल रहा है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ, ये बड़ी तेजी से कटान चल रहा है। जो किसान है उनका खेत काफी हद तक नदी में समा चुका है। अभी भी किसान भयभीत हैं, अपनी फसलों को जल्दी जल्दी हटाने का प्रयास कर रहे हैं, कच्ची फसल काट रहे हैं, जबकि अभी काटने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अगर नहीं काटेंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगा। और काफ़ी भयावह स्थिति है, प्रशासन भी उस हिसाब तैयारी नहीं कर रहा जिस हिसाब उसको करना चाहिए। बरसात से पूर्व दावा तो बहुत किया जाता है कि कटान को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है, बाढ़ खंड लगा है, लेकिन जो मौके पर अभी दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ये लगभग 2-3 वर्ष पहले नदी का धारा इधर जब हुआ तब से अब तक कोई प्रयास इस प्रकार नहीं किया गया कि धारा और ना आगे बढ़े, इसकी कटान को रोक दिया जाए ताकि एक सीधाई बरकरार रहे नदी के अंदर। हमारे साथ ढूंढरी गांव के काफ़ी लोग हैं जो इसके गवाह हैं कि किस प्रकार कटान यहां चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम नूरुल हसन खान है। करीब एक महीने से लगभग काम चालू हुआ है, जून में जब बारिश चल रही थी जून के लास्ट में काम चालू हुआ है। ऐसी टाइम पर बरसात में काम चालू हुआ कि यहाँ पर कोई जो कैरी डालते हैं कैरी सक्सेस नहीं होता है, जो गोनी डालते हैं गोनी भी सक्सेस नहीं होता, सब के सब चला जाता है, बह जाता है। हम लोगों ने बहुत पहले इसके लिए दरख्वास्त भी दिया गया था और बात किया गया था कि इसकी कटान रोका जाए, नहीं गांव इस वक्त खतरे में बहुत चल रहा है। जबकि यहां पर हमारे बाएं साइड में देखे पूरा घर बना हुआ है, लेकिन ये गाँव काटने का पूरा संभावना है इसमें कोई। और जो काम चल रहा है, जो ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, केवल वो अपना रुपया बनाते हैं, यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, ना कोई खास काम किया जा रहा है। से और जो सड़क की दूरी मात्र 20 से 25 मीटर बची होगी और सड़क से सटे हुए सब घर बने हुए हैं, आबादी है, और उसके बावजूद भी कटान रोकने का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कुछ बोरी दिख रही है जो जिसमें बालू मिट्टी भरा हुआ है, वो कटान को रोकने में लगभग असंभव होगा क्योंकि कटान उससे रुक नहीं पाएगा। अभी भी दरार जिसे चल रहा है यहाँ से लेकर पूरा ये दरार लिया हुआ है, ये आप हम देख सकते हैं, जरा दिखाइए आप, यहाँ से दरार बन गया है, अभी ये कुछ ही घंटों में नदी में चला जाएगा जैसा कि स्थिति है। बाएं तरफ भी दरार ही है और इसके ठीक सामने वो जो है शमशान घाट था जहां पर मुर्दों को दफनाया का कार्य होता था, वो भी आधे से ज़्यादा समाप्त हो चुका है, नदी में कट गया है। और उसके आप भी यहां रहते हैं, क्या कुछ बताएंगे कि क्या स्थिति है, क्या क्या नुकसान हुआ? अरे बहुत सारा नुकसान हुआ, खेत पूरा कट गया, गन्ना कट गया, कब्रिस्तान कट गया, गांव पे यहाँ मेरा धावा बोले गांव भी कट जाएगा। शासन क्या कोई एक्शन ले रहा है? अक्सर काम लेते हैं साहब, ऐसे एक्शन लेते हैं, आवत है थोड़ा बहुत काम करते हैं चला जाते हैं, जहाँ जाएगा तहाँ काट जाती है, कोई प्रशासन नहीं आई है। या आपका भी कुछ नदी में नुकसान हुआ है? हाँ साहब, कट ही रहा, अभी 12 पेड़ काट के आया हूँ,
आप देख सकते हो पेड़ वही पेड़ ही काट। बरसात में फसल का पीक आवत होता है, धान हो चाहे अरहर हो और उसके बाद तिल है, गन्ना है, ये सारी फसलें इस समय अपने चरम सीमा पर होती हैं, हरियाली होती है। और ऐसे इसी समय में कटान भी शुरू होता है इस नदी में, जो बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। अगर इसको समय रहते इस पर प्रबंध किया जाए तो शायद इस भयावह स्थिति को रोका जा सकता है। अगर गाइड बांध टाइप का गांव के किनारे बन जाए तो रुक सकता है। जो समय भी था 2-3 साल से नदी का रुख इधर है, उसके बावजूद भी अस्थायी व्यवस्था नहीं की गई, जिसका परिणाम आज ये गाँव कटने के कागार पर आ चुका है। निश्चित रूप से अगर प्रशासन समय रहते चेते और कुछ व्यवस्था करता रहे तो इस ऐसी भयावह स्थिति से निजात पाई जा सकती है। जिले का कोई पहला गांव नहीं, एक दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जो कटान के कगार पर हैं, और उन्हें रोकने के लिए अब एक अस्थायी कार्य योजना बनाने की जरूरत है प्रशासन को, और तभी ऐसे सभी गाँव को बचाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता को लेकर पूरे विश्व को एक संदेश दिया और पूरे भारतवर्ष को जागृत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं हरदोई का नगर पालिका प्रशासन सरकार के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। आपको बताते चले कि हरदोई का कलेक्ट्रेट, जहां जनपद के जिला अधिकारी से लेकर तमाम विभागों के आला अधिकारी बैठते हैं, जिनके कद्दों पर जिले की सारी योजनाओं की जिम्मेदारी लागू करने की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए सभी शौचालयों की हालत बद से बदतर है। जहां पूरे जनपद के लोग आते हैं और शहर में शौचालयों का अधिकतर उपयोग कचहरी परिसर में होता है, लेकिन गंदगी का आलम यह है कि लोग शौचालयों में जाना तो दूर, उसके पास से भी भटकना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार संचारी रोग जैसे बड़े बड़े अभियान एक तरफ लोगों को चलाकर जागरूक कर रही है और साफ सफाई स्वच्छता को लेकर संदेश दे रही है, वहीं नगर पालिका परिषद की लापरवाही स्वच्छता के सभी दावों की पोल खोल रही है। आज हम बात करेंगे हरदोई नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था पर। एक तरफ जहाँ सरकार संचारी रोग जैसी बड़े प्रोग्रामों को लेकर स्वच्छता का संदेश दे रही है, करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रही है, कोरोना काल है, साफ सफाई के सख्त निर्देश हैं, शासन प्रशासन व जिला स्तर पर बैठे जिम्मेदारों को यह बताया गया है कि लोगों को जागरूक करें व सफाई के प्रति लोगों को कहीं न कहीं जागरूक करते और जुर्माने तक के प्रावधान किए गए। इन सबके बावजूद आज मैं बात कर रहा हूँ हरदोई कलेक्ट्रेट स्थित शौचालयों की हालत बद से बदतर है। जहां एक तरफ नगर पालिका परिषद हरदोई दावा कर रहा है, स्वच्छता के संदेश दे रहे हैं, बड़े बड़े स्लोगन और बोल्ड फ्लैक्स लगवाए गए, इन सबके बावजूद स्थितियां बद से बदतर हैं। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट के ये हालात हैं तो ग्रामीण अंचलों की क्या स्थितियाँ होंगी। संचारी रोग को लेकर जहाँ पूरा अमला जो है करोड़ों रुपये खर्च कर रही है सरकार और पूरा अमला लगा दिया है लोगों को जागरूक करने के लिए, इन हालातों में भी स्थितियाँ बद से बदतर हैं। नगर पालिका परिषद हरदोई के दावों को खोलती या तस्वीरें यह बताने के लिए काफ़ी है कि मोदी का सपना नगर पालिका परिषद कभी पूरा नहीं होने देगी। लाइव टुडे के लिए अरविंद तिवारी, हरदोई। रामपुर में मनरेगा योजना में घोटालों की खबर लाइव टुडे पर प्रमुखता से चलने के बाद हुई जांच में करोड़ों की जीएसटी चोरी, बिना विकास कार्य कराए ही मनरेगा का पैसा निकालने और 400 बीसी करने के अलावा कई गंभीर मामलों में स्वार ब्लॉक के 2 BDO, 3 प्रधान और 5 फर्जी फर्म संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रामपुर के ब्लॉक स्वार के मुस्तफाबाद खुर्द में मनरेगा के घोटाले को उजागर करने में हमारे संवाददाता ने उन विकास कार्यों को ग्राउंड पर जाकर देखा तो बिना काम के ही मनरेगा के लाखों रुपए के घोटाले की तस्वीर सामने आई। इसको लेकर BDO स्वार ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया और इसके बाद जांच शुरू हुई तो लाखों के घोटाले की रिपोर्ट सामने आई। मैं चंद्रमान खंड विकास अधिकारी स्वार, जैसा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है, 3 प्रधान के खिलाफ और 5 फर्मों के खिलाफ, 2 पंचायत सचिवों के खिलाफ उनकी FIR दर्ज कराने के लिए मैं आया हूँ, जिसमें कि वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आई है जांच समिति के समय। तो इन सभी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ जी। और इसमें क्या रिकवरी भी होगी इनसे? ये तो जांच का विषय है, जैसे पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाएगी तो रिकवरी भी हो सकती है। हमारी खबर चलने के बाद में जो जिस तरह से ये असर आज सामने आया है, तो इसमें क्या और गांवों के अंदर भी आप जांच करना चाहेंगे? जैसे जैसे मुझे शिकायतें मिलेंगी वैसे मैं और गांव के अंदर भी जांच करेंगे, हम और ऐसे के अंदर मनरेगा में हुए घोटाले को लाइव टुडे ने जिस प्रमुखता के साथ दिखाया था, खबर चलने के बाद जिस तरह से जो ब्लॉक प्रशासन था उसने जांच की थी, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद
जांच सामने जब होके आई है तो उसमें बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आज BDO चंद्रभान सुआर यहां मौजूद हैं और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। 3 प्रधान और 2 पंचायत सेक्रेटरी के साथ ही जो फर्म जिसमें जो गलत वाउचर लगाए गए थे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो मनरेगा का जो घोटाला था वो लाइव टुडे पे खबर चलने के बाद सामने आया और उसकी व्यापक स्तर पे जांच की गई, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें हो सकता है कि ये घोटाला करोड़ों तक पहुंच जाए। लाइव टुडे के लिए फहीम खान रामपुर। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। मेरा देश मेरा गांव, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बद्री के नाथ से, केदार के धाम से, हरी के द्वार से, दून की चाल से, हर खबर आप तक। देखिए उत्तराखंड लाइव। के बाद स्वागत है। जहां भारी बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गांव में दहशत है, वहीं श्रावस्ती में तहसील जमनुहा जाने वाले मुख्यालय मार्ग राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से मुख्य मार्ग ध्वस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इससे अवगत कराया जा चुका, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लोगों का कहना है कि अगर जल्दी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आसपास के गांवों को भारी नुकसान हो सकता है और सैकड़ों गांव राप्ती नदी में समा सकते हैं। राहगीरों का कहना है कि इस मार्ग पर कोई चेतावनी या सूचक बोर्ड तक नहीं लगवाया गया है, जिसके चलते खराब मार्ग होने से यहां कई हादसे हो चुके हैं। वहां पर तो पहली बार कोई देखने वाला नहीं है, प्रशासन का कोई नहीं है कि आदमी को रोके, कोई भी गिर सकता है। आधी रोड कट चुकी है, आधी मछली कट रही होगी। मान लीजिए अभी दिन है, रात तो रोड ही नहीं रहेगा, दिन में ही समाप्त हो जाएगा पूरा। यहाँ से समस्या ये हो रही है कि इस रास्ते पे अधिकारी कर्मचारी भी चल रहे हैं, आम जनता भी चल रही है, और ये जो मधुआ पुल के पास है अभी तो पानी कम है, इसकी वजह से कटान ज़्यादा हो रही है। हो सकता है कि आज रात तक ये पूरी रोड भी कट जाए, जिस पर प्रशासन अभी तक कोई नज़र नहीं डाली है कि किस प्रकार से बचा जा सकता है। रात बिरात में हो सकता है कि उसमें दुर्घटनाएँ भी हो सकती हैं। दिन में तो किसी प्रकार से लोग देखते भी हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन रात में दुर्घटनाएँ बनी रहती हैं। मीडिया वालों ने भी देखा होगा, हम लोग इससे पिछले जो है 15-20 दिन से इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था, आमरण अनशन भी बैठे थे, कि प्रशासन से मांग भी किया गया था शासन से कि नदी देखिए आप, ये नदी बिल्कुल रोड पटरी काट रही है इस समय, अगर आज और कल में इस पर काम नहीं लगाया गया तो ये पूरी जगह भिनगा और मल्लीपुर का ये रास्ता बंद हो जाएगा। वो पहले ही बंद है, वो रास्ता पूरा गड्ढों में तब्दील हो गया है, जमुना और मल्लीपुर का रोड यही एकमात्र बचा है। इसको भी आज रात और कल तक ये संभवतः आप देख लीजिए कितनी तेज़ी से काट रही है, अगर नदी आज एक फुट या 10 सेंटीमीटर नीचे चली गई तो आज ही रात को काट लेगी। सिर्फ प्रशासन से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, जबकि पैसा है, ऐसा नहीं है। ये इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी कटाव होता है तो उसके विभाग के पास पैसे होते हैं, लेकिन विभाग इंतजार कर रहा है कि अगर ये पूरी तरह से यहाँ से जब काटना शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा लिया इसमें रिलीज होगी।
हम इस वक्त मौजूद हैं भिंगा मल्लीपुर मार्ग पर, जहां पर राप्ती नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से यहां की आधी रोड कट चुकी है और यहां के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आज रात तक पूरी रोड कट जाएगी, जिससे किसानों का भी भारी नुकसान होगा। वहीं यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन को कई बार इससे अवगत भी कराया पर प्रशासन द्वारा अभी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। श्रावस्ती से लाइव टुडे के लिए सरजीत सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज में जिस बाईपास मार्ग का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो सड़क 5 महीने भी नहीं चल सकी। घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के चलते सड़क तो जगह जगह से ध्वस्त हो ही गई है, साथ ही उस पर बना रेलवे ओवरब्रिज भी दरारें पड़ चुकी है और इसके चलते लगभग 1 साल से ये बाईपास मार्ग बंद पड़ा है। आपको बता दें कि लालगंज में जाम की समस्या को देखते हुए ही बाईपास मार्ग का निर्माण कराया गया था। दिसंबर 2018 में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना लालगंज आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान इस बाईपास मार्ग का लोकार्पण किया था। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस सड़क में महज 5 महीने में ही दरार आ जाने की वजह से अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए इस मार्ग को बंद कर दिया था और इसके बाद निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जाँच होना तो दूर, सड़क निर्माण कार्य भी दोबारा शुरू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए लालगंज बाईपास जिस प्रकार से कुछ ही महीनों में ध्वस्त हो गया था, उससे कहीं ना कहीं आवागमन भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 2 सालों से देखा गया तो बाईपास अभी भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। एनएचएआई की मनमानी के चलते ही वो आज भी पूर्ण रूप से चालू नहीं किया गया। भले ही वहाँ पे बाईपास का जो टोल है वो वसूला जा रहा हो, पर जिस प्रकार से टोल वसूलने वाली जगह यानी बाईपास ध्वस्त हो चुका है, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है जिला प्रशासन पे और उनकी नजरअंदाजी पे। अब देखने वाली बात रहेगी इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या कोई इस निर्माण को लेकर आगे बढ़ता है या इसी प्रकार से ये सभी कुंभकर्णी में सोते रहेंगे। अखिल श्रीवास्तव, रायबरेली, लाइव टुडे। एक और जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाढ़ भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जहां भी देश की जनता लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो वहीं कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे यूपी के कई जिलों में तबाही मची हुई है। रिपोर्ट देखिए। स्वच्छ भारत मिशन जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन मेरठ में नगर निगम सरकार के इस अभियान को पलीता लगाते दिख रही। नगर निगम की लापरवाही की वजह से दर्जनों परिवार अपना घर बेचकर पलायन करने को मजबूर है। हालांकि ये इलाका भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर की विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के सांसद भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल हैं, लेकिन ना तो विधायक जी इलेक्शन के बाद यहाँ कभी आए और ना ही सांसद को कभी किसी ने देखा। लोगों की माने तो चुनाव के समय सभी नेता यहाँ आते हैं, जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं और क्षेत्र का विकास करने का वादा भी करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद ये सभी गायब होते नजर आ जाते हैं। ये तस्वीरें हैं मेरठ के वार्ड नंबर 8 स्थित नूरनगर इलाके की। मानसून शुरू होते ही यहाँ स्थिति तालाब का सारा पानी सड़कों पर आ जाता है और अब धीरे धीरे ये गंदा पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने नगर निगम पार्षद, स्थानीय विधायक और सांसद से भी की, लेकिन किसी ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अब इन घरों में गंदे पानी के साथ ही साथ जहरीले सांप भी पहुंच जाते हैं, जिससे इन्हें हर वक्त डर के साए में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे काफी लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया। इलाके के 2 दर्जनों से भी ज्यादा घरों पर लोगों ने पोस्टर चस्पा किए हुए हैं और पोस्टर में लिखा है, नगर निगम की उदासीनता के कारण ये मकान बिकाऊ है। ये तस्वीरें देखकर आपको ये रास्ता देखकर लग रहा होगा कि ये कोई तालाब है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक सड़क है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपने घरों से गहरे गंदे पानी से निकल कर आते हैं।
कई बार तो इस जलभराव की वजह से लोग गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लग जाती है, लेकिन नगर निगम को इसका कोई भी होश नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग पिछले 5 दिनों से नगर निगम और तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि शायद नगर निगम के अधिकारी यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साफ सफाई, और सरकार ने भी आदेश दिए हैं सभी नगर निगम और नगर निकाय को कि वो अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मेरठ में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरठ में क्या कुछ हो रहा है, कितनी साफ सफाई हो रही है, वो तो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के लिसाड़ी इलाके के नूरनगर गांव में। यहाँ आप देखिए कि यहाँ ये सफाई नगर निगम कर रहा है। जो नालियों का पानी है वो सड़कों पर है और लोग परेशान हैं। लोग आते हैं और यहाँ पर गिर जाते हैं। कोई भी रास्ता यहाँ से बाहर निकलने के लिए नहीं है। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि तमाम घरों पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरठ नगर निगम की उदासीनता के कारण मकान बिकाऊ है। ये एक घर पर नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ के तमाम घरों पर, मैं आपको दिखाऊंगा तमाम घरों पर यही इन्होंने जो पोस्टर हैं वो चस्पा किए हुए हैं और अपने अपने मकान यहाँ से बेच रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ मकानों की कंडीशन, तो आप सामने देखिए वहाँ जो मकान है उस मकान की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ के जो लोग थे उनको वहाँ से अपना मकान खाली करके जाना पड़ गया। और इसके अलावा एक जो पिछली गली है वहाँ के लोग भी अपने अपने मकान खाली करके जा चुके हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और इसी को देखते हुए यहाँ के जो निवासी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और 5वां दिन इनका आज धरने का है। नगर निगम के खिलाफ लगातार ये लोग नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं और धरना भी यहाँ पर दे रहे हैं। जो इनकी मांगे हैं वो इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। तमाम लोग बैठे हैं यहाँ पर, नगर निगम हाय हाय के यहाँ पर नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। भैया क्या नाम आपका? पवन गुजर नाम है मेरा। पवन जी, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी लगाए हुए हैं, क्या कारण है? ये यहाँ नगर निगम वार्ड 8 के अंतर्गत लिसाड़ी गांव में हमारे यहाँ शांति नगर मोहल्ला है। यहाँ सामने तालाब है, तालाब की आज तक ना कोई साफ सफाई है ना कोई बाउंड्री वाल है। कई बार बच्चे इसमें गिर गए हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और लगातार सूचना नगर निगम को जाने के बावजूद भी नगर निगम की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। 5 दिन से इन लोगों का धरना चल रहा है, अब भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आप सब हम लोगों ने परेशान होकर के आपके सामने कंडीशन से अब यहाँ रह के क्या करेंगे, या तो यहाँ नगर निगम नाव लगवा दे जिससे अपना रास्ता पार कर ले। तो एक बात यह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इसलिए थोड़ी सी गनीमत है अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो रोज नया हादसा आपको देखने को मिल जाएगा। कोरोना महामारी ऐसे में तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। अब ये तो मजबूरी है, क्या करें, सांप भी घरों में घुस जाते हैं, यहाँ तो सांप हैं, मच्छर हैं, ना कोई मच्छर की दवाई छिड़की जा रही है, ना किसी तरह की कोई भी सुविधाएं नगर निगम की तरफ से दी जा रही है। तो स्थानीय पार्षद से बात की आपने? स्थानीय पार्षद से भी बातचीत इस बारे में हुई है, उन्होंने कहा मैंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से कहा है और कई बार कहने के बावजूद भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक सब लापता है। लगभग पूरी विधानसभा का ही हाल है, दक्षिण विधानसभा के जितने मोहल्ले हैं, समर गार्डन है, फतल्लापुर है, रास्ता नून नगर वाला है, भूमिया के पुल वाला है, नून नगर लिसाड़ी, ऐसा ही हाल नून नगर के तालाब का है। तो पूरी विधानसभा में ही लगभग ये हाल है। तो बिल्कुल, ये दक्षिण विधानसभा है, भाजपा के जो विधायक है सौमेंद्र तोमर उनका इलाका है और यहाँ पर सांसद भी भाजपा का ही है राजेंद्र अग्रवाल। यहाँ के लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। भैया क्या नाम आपका? जितेंद्र जी। सांसद विधायक आते हैं वोट मांगने, क्या अब इस हालत को देख के नहीं आए? कोई नहीं आया जी। बात की आपने? बात की जी, नू कहते हैं 1-2 दिन में हो जाएगा, 4 साल हो गई इन्हीं बातों को कहते कहते, 4 साल से हम यही देख रहे हैं। तो अब क्या क्या मन है अभी आप क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? भाजी हम तो यही मन चाह रहे हैं कि साहब यहाँ पे अगर ये सहूलियत नहीं होगी तो मकान बेच के जाना पड़ेगा जी। अच्छा, कितने भैया कितने परिवार ऐसे हैं जो मकान बेच के जाने को तैयार हैं यहाँ से? तकरीबन सभी यही चाहते हैं कि हम अपना मकान बेच के यहाँ से चले जाएं। अच्छा, क्या कुछ लोग जा भी चुके हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं, पर जो है एक दो दो चार घर जो है खाली हो गए, यहाँ से चले गए जब यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला उन्हें तो। तो अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो पिछली वाली गली है आपके, वहाँ से भी लोग मकान खाली करके जा चुके हैं? मकान खाली हो गए, पीछे से सीढ़ी लगा के चढ़ते अपने घरों में को, मकान खाली करके किराए पर रह रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 8 का ये नजारा है नगर निगम के, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं इनको वहाँ से अपने घर से बाहर आने के लिए इस पानी से होके गुजरना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से नंगे पैर ये आ रहे हैं
और वहाँ देखिए आप छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं, वो छोटे बच्चे आपको उस घर में खड़े दिखाई दे जाएंगे। उन छोटे बच्चों को भी अगर बाहर निकलना पड़ता है तो वो भी इसी पानी से होकर गुजरते हैं और यहीं से होकर निकलते हैं। तो 21वीं सदी की शर्मनाक तस्वीरें हैं ये, इन्हीं शर्मनाक तस्वीरों की वजह से यहाँ के कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरी राय। क्यों आपको इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है? कोई रास्ता नहीं है क्या घर जाने का? नहीं सर, और कोई रास्ता नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये तालाब है या रास्ता है? ये रास्ता है साहब, रास्ता है बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल ये तालाब में तब्दील हो गया है? तब्दील, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा बारिश का। कितनी कितनी दिक्कत है आपको सामना करना पड़ रहा है? कितनी दिक्कत? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा। तो बिल्कुल देखिए, ये 21वीं सदी की शर्मनाक तस्वीर है। ये रास्ता है जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल रास्ता तालाब में तब्दील हो गया है क्योंकि नगर निगम की लापरवाही है। नगर निगम ना तो यहाँ पर साफ सफाई कराता है और ना ही नगर निगम ने यहाँ पर खड़ंजे लगवाया और ना ही किसी सड़क का निर्माण करवाया। देखिए छोटे बच्चों को किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ से निकलना पड़ा। भैया पहले बच्चे को उठा लीजिए आप एक बार, क्योंकि छोटा बच्चा है, कहीं गिर ना जाए। तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से छोटे बच्चों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। अब कहीं जाना होगा तो बिल्कुल यहाँ से वो लोग निकलते हैं। लेकिन हम लोग भी यही कहेंगे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वोट मांगने के टाइम पे आते हैं, उनसे भी कहेंगे, साथ ही साथ नगर निगम के उन अधिकारियों से भी कहेंगे जिन अधिकारियों के कंधे पर यहाँ की जिम्मेदारी है, कि वो इस पर ध्यान दें और मोदी जी और योगी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है उस पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास की जो बात की गई थी उस बात को भी पूरा करें। मेरठ से मंत्री राजेंद्र के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।